नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। रायसेन जिले के सलामतपुर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के चलते रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए किसान, तो किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भोपाल विदिशा रोड पर दी गिरफ्तारी। वहीं 41 किसानों पर सलामतपुर पुलिस ने किया मामला दर्ज। मौके पर रायसेन कलेक्टर, SP सहित सागर, रायसेन, विदिशा, सांची व पुलिस भारी पुलिस बल मौजूद रहा। देखिए पूरी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कृषि कानून के विरोध में सलामतपुर उपमंडी प्रांगण में रेल रोको आंदोलन को लेकर गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन व पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था के चलते किसान सलामतपुर रेलवे स्टेशन रेल रोकने नहीं पहुंच पाए। 40 किसानों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जमानत पर छोड़ दिया गया। धरनास्थल पर रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, रायसेन SP मोनिका शुक्ला ने किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की समझाइश दी। प्रदर्शन स्थल पर 5 थानों जिनमें सागर, विदिशा, रायसेन, सलामतपुर का पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद था। आंदोलन में भोपाल, विदिशा, रायसेन, खामखेड़ा सहित आसपास क्षेत्रों के लगभग 200 किसान मौजूद थे। भारत टीवी के लिए रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। सर, किसानों का क्या मामला था आज? संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा सलामतपुर में एक धरना दिया गया, जिसमें 41 लोग थे। उनके द्वारा 41 लोग के ने गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी करके उनकी कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया। आज जैसा कि हम लोग को पूर्व सूचना थी कि काफ़ी लोग इकट्ठे होने की संभावना है, इसलिए हमने GRP लोकल पुलिस और बाहर से पुलिस बुलवाई थी। काफ़ी हमारा इंतजाम था। कलेक्टर साहब, SP साहब भी आए थे, ADM साहब और सारे अधिकारी लोग यहाँ पे हम लोगों ने इंतजाम में लगाए थे और शांतिपूर्वक हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया। किसानों का रेल रोकने का भी आंदोलन था क्या, ऐसा सुनने में? हाँ, सुनने में आया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। गिरफ्तारी यहीं रोड पर दे दी है। वो गिरफ्तारी देने के बाद कार्यक्रम खत्म हो गया उनका। क्या है आज आपका किसान आंदोलन में रेल रोको क्या? संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में के अंदर रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। ये रेल रोको आंदोलन तीनों काले कानून के विरोध में है। ये रेल रोको आंदोलन दिल्ली में बैठे हुए किसानों के समर्थन में है। इस रेल रोको आंदोलन का आयोजन आज किसान जागृति संगठन ने रायसेन जिले के सलामतपुर में किया है और मंडी प्रांगण में सारे किसान एकत्रित हुए हैं और जिला प्रशासन द्वारा किसानों को जगह जगह रोका जा रहा है, बैरिकेड्स लगा के रोका जा रहा है, उनको यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है और इस आंदोलन को दमन करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार कह रही किसान मध्य प्रदेश की सरकार के साथ है, मगर अभी आप कह रहे थे कि अगर हम साथ होते तो क्या आंदोलन करते, क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार जो है केंद्र की सरकार में अपने नंबर बढ़ाने के लिए केंद्र को भी भ्रमित कर रहे हैं, प्रदेश को भी कर रहे हैं, किसानों को भी भ्रमित कर रहे हैं। इस प्रदेश का एक एक किसान जो है इस काले कानून के विरोध में है। चूँकि किसान बड़ा गरीब है, उसके पास संसाधनों की कमी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए वो दिल्ली नहीं जा पा रहा। उसके बाद भी मध्य प्रदेश के कम से कम 15-20 हज़ार किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती किसानों की तो क्या आंदोलन ये जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो प्रदेशों में कर रहे हैं, जो गाँव में कर रहे हैं, वो किसान जो है इस देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये काले कानून जो है कृषि के कानून हैं। कृषि से देश का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि किसान MSP की मांग कर रहा है, सरकार जो है आम आदमी को MRP पे खाद्यान्न देना चाहती है और किसान कह रहा है नहीं, MSP पे दो। क्या नाम है आपका? इरफान जाफरी, मैं प्रमुख किसान जागृति संगठन का। आंदोलन के तहत रेल रोको कार्यक्रम है, क्या रणनीति है आपकी? यहाँ सब किसान बंधु इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले प्रशासन यहाँ आए थे भेंट करने के लिए। उनका ये कहना था कि शांतिपूर्वक आप सब आंदोलन करें। रणनीति यही है कि रेल रोको आंदोलन के तहत संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान है उसके तहत ये कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। आप बताएं आगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती किसानों की, ये कृषि बिल वापस नहीं होता? देखिए, ये आंदोलन तो निरंतर चलता रहेगा, इसकी जितनी भी लंबी क्यों ना चाहिए, क्योंकि जब तक ये संयुक्त मोर्चे का आंदोलन चल रहा है हम भी आंदोलन करते रहें। मुझे साहब रज्जू भैया कहते हैं। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।